हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अधिगम यानी सीखना इस पे डिस्कस करेंगे। अधिगम होता क्या है? तो अधिगम देखिए यानी लर्निंग यानी सीखना। सबसे पहले आप इसको समझ लें, क्योंकि देखिए जब आपका अधिगम आता है और आपको इसके बारे में नहीं पता होता है कि अधिगम मतलब सीखना होता है, और जैसे आप इसको लर्निंग कह सकते हैं, यानी ये लर्निंग होता है। तो आप इस तरीके से जब इंग्लिश में वर्ड याद कर लेंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, क्योंकि बाल विकास आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, और उसके बाद आपका सीटेट में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद सुपर टेट में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोगों को सीटेट में, सुपर टेट में और भी टीचिंग एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इन सब चीज़ों को आप लोग, जैसे जो बारीकियाँ इसकी, वो चीज़ें ज़रूर, उन पर ध्यान आप लोग ज़रूर दिया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो गई अधिगम यानी सीखना यानी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो देखते हैं सबसे पहले कि सीखना यानी लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि देखिए, सीखना ऐसा तो है नहीं कि हमने एक दिन सीखा, दो दिन सीखा और उसके बाद नहीं सीखा। जब हमारा जन्म होता है हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ऐसा नहीं है हम अपने आसपास के वातावरण से, सभी लोगों से सीखते हैं। ये नहीं है कि ये हमसे बड़े हैं इसलिए हमने इनसे सीखा, ये हमसे छोटे हैं इसलिए हमने इनसे सीखा, या ये हमसे ज़्यादा एजुकेशन में है इसलिए हमने सीखा, या ये हमसे कम एजुकेशन में है इसलिए सीखा। ऐसा नहीं है, हम हर एक पर्सन से, हर एक व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो चाहे हमसे उम्र में छोटा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे हमसे कम पढ़ा लिखा हो। और देखिए, ये बात हो गई यहाँ पे कि हम जीवन पर्यंत सभी लोगों से सीखते रहते हैं। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं कि सबसे पहले बच्चा किससे सीखना स्टार्ट करता है। तो जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के संपर्क में आता है, तो सबसे पहले माँ ही से वो सीखना स्टार्ट करता है। माँ ही उसकी पहली शिक्षक होती है और घर बच्चे का प्रथम पाठशाला होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि माँ ही से बच्चा सबसे पहले सीखना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद जब वो अपने परिवार वालों के संपर्क में आता है तो उन लोगों से सीखता है। फिर उसके बाद जब अपने पड़ोसियों के संपर्क में आता है, फिर बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अपने स्कूल में जाता है, वहाँ पे उसे बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे दोस्ती हो जाती है। बच्चा उनके संपर्क में रहता है, उनसे भी सीखता रहता है, टीचर्स होती हैं उनसे सीखता है। यानी कहने का मतलब है कि जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, वो कभी ठहरता नहीं, कभी रुकता नहीं है। यहाँ पे देखिए, सीखना किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रक्रिया है। हम अपने हाथ में जैसे आम लिए चले जा रहे हैं, कहीं से एक भूखे बंदर की उस पर नज़र पड़ती है। तो बंदर क्या करता है, जब जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में कोई चीज़ है, अगर बंदर ने उसको देखा तो वो झपट्टा मार लेगा, यानी उसको झपट लेगा, यानी उसको छीन लेगा। लेकिन वह आम को हमारे हाथ से छीन कर ले जाता है। यहाँ भूखे होने की स्थिति में आम के प्रति बंदर की प्रक्रिया है, पर यह प्रक्रिया स्वाभाविक है। देखिए, बंदर जब चीज़ों को कैसे प्राप्त करता है, छीन के ही तो प्राप्त करता है, यानी वो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखी हुई नहीं है, यानी उसने सीखा नहीं है कि ये चीज़ हमें छीननी है इनसे, उसके माइंड में वो चीज़ है, वो स्वाभाविक है उसका कि वो छीन के खाता है, ठीक है। और इसके विपरीत अगर बालक हमारे हाथ में आम देखता है तो वह उसे छीनता नहीं है, बल्कि हाथ में, यानी हाथ फैलाकर मांग लेता है। अब आप बच्चों को देखें, जैसे उनको भूख लगी या कोई चीज़ उनको लेनी है, मान लीजिए हमारे हाथ में कोई चीज़ है, आम है, पहले कोई भी चीज़ है, तो बच्चा क्या करेगा कि अगर उसकी आप बुआ हैं तो कहेगी बुआ मुझे ये चीज़ दे दो, या मम्मी मम्मी मुझे ये चीज़ दे दो। ऐसा नहीं है कि वो छीन के भाग जाएगा। ऐसा क्यों करता है,
देखिए आम के प्रति बालक की प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं सीखी हुई है, यानी बच्चे को ये पता है कि ये चीज़ हमें खानी है और हम इसको मांग कर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मम्मा ने यानी उसकी माँ ने उसको पहले से सिखा रखा है कि बेटा जब भी भूख लगे तो आप मांग के खा लेना, या कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, कोई चीज़ आपका मन करे तो आप वो चीज़ मांग लेना। तो वो मम्मी ने उसकी सिखाया, यानी उसकी माँ ने उसको सिखा के रखा है पहले से, तो बच्चे ने वो चीज़ सीख ली। ऐसा तो नहीं था कि वो जब उसका वहाँ से मतलब ऊपर से वो सीख के तो नहीं आया था, लेकिन उसकी माँ ने उसको सिखाया था, इसलिए वो छीनेगा नहीं, वो मांगेगा। अब देखिए जन्म के कुछ समय बाद से ही उसे अपने वातावरण में कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। पहली बार वह आग को पकड़ कर देख लेता है, कैसे क्या करता है अब देखिए यहाँ पे, और जल जाता है। अतः जब आग को फिर देखता है तो वह उसे नहीं छूता, यानी अब आग के प्रति उसकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। अतः अनुभव से उसे आग ना छूना सिखा दिया है। यानी देखिए कोई चीज़ है और उसमें मान लीजिए कोई चीज़ धूप में रखी हुई है अब, और धूप भी बहुत कड़ाके की हो रही है, तो बच्चा क्या करेगा स्टार्टिंग में, जब उसको अनुभव नहीं होगा, जब उसको सिखाया नहीं जाएगा तो क्या करेगा, वो धूप में जाने की कोशिश करेगा। जो भी मान लीजिए कोई भी बर्तन रखा है, कोई भी चीज़ रखी है, शीशे की कोई चीज़ रखी हुई है, और उसमें देखिए जब धूप में रखी जाती है कितनी जलने लगती है, तो वो बच्चा उसको छूने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा कि हम किसी तरह से इसको छू ले, लेकिन उसकी माँ उसको बहुत मना करती है कि नहीं छूना है, नहीं छूना है। लेकिन अभी देखिए उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि इससे क्या हमको नुकसान है। अब उसने उसको छू लिया, यानी उस बर्तन को छू लिया और धूप में गया। अब मान लीजिए घुटनों के बल चल रहा है और वो घुटनों के बल धूप में चला गया, अब उसके पैर भी देखिए जल गए, मतलब उसमें इतनी फर्श जैसे जल रही है, टाइल्स जल रही हैं, तो वो क्या हुआ कि उसको धूप लग गई और उस बर्तन को टच किया तो उसके हाथ जल गए। अब उसने सोच लिया कि मैंने ये चीज़ सीख ली है, अब मुझे कभी भी इस बर्तन को टच नहीं करना है, मुझे धूप में नहीं निकलना है, क्योंकि मैं धूप में निकलूँगा या निकलूँगी तो मैं जल जाऊँगी, या मैं इस बर्तन को टच करूँगी या करूँगा तो मैं जल जाऊँगा। देखिए उसने ये चीज़ सीख ली, और कैसे सीखा, अपने अनुभव से सीखा, उसको करके उसने बच्चे ने सीखा, यानी कि उसने सीखना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक कुछ ना कुछ बच्चा सीखता रहता है, और उसने कैसे सीख लिया, तो अनुभव के द्वारा उसने सीख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं सीखना या अधिगम, यानी लर्निंग एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वही चीज़ जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सीखना ऐसा नहीं है कि एक दिन का है, दो दिन का है, हम जन्म लेते हैं और जब तक मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हम सीखते ही रहते हैं। और देखिए मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजन कर लेता है, यानी करने का प्रयत्न करता है। यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद बच्चा सीख रहा है और उसको ये नहीं है कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी मतलब कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी कहते नहीं कि अनुकूलन क्या होता है, अपने आप को उसमें ढाल लेना। यानी बच्चे को जैसा वातावरण, अगर अच्छा माहौल मिल रहा है तो उसको हर सुविधाएं मिल रही हैं तो वो उसमें ढल जाता है। अगर बच्चे को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐसे भी परिवार देखे गए हैं जिसमें बच्चों को सुविधाएँ नहीं प्राप्त होती है, तब भी उसने उस वातावरण में अपने आप को ढाल लिया, यानी कि देखिए उसने उस वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लिया, और वो समायोजित करने का प्रयत्न भी करता रहता है कि ठीक है जब ये चीज़ हमें नहीं मुहैया हो रही है, प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो ठीक है हम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। और जो जिन बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है, हालांकि आवश्यकताएँ तो सीमित नहीं है, जिनको हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है उनकी भी और भी इच्छाएँ बढ़ रही हैं, लेकिन बच्चा अपने वातावरण में क्या करता है, समायोजन कर लेता है, उसी में ढल जाता है और उसी में रहना वो सीख जाता है। अब देखिए आपकी ये नेक्स्ट हेडिंग जो है अधिगम का प्रत्यय, यानी अधिगम से अभिप्राय अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। यानी क्या है कि वो अपने अनुभवों द्वारा बच्चा सीख रहा है और उसमें वो परिवर्तन लाता रहता है, क्योंकि देखिए जब
क्या होता है, पहले तो कहते नहीं कोरी स्लेट की जैसे, क्योंकि कई विद्वानों ने बच्चों को कोरी स्लेट माना है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा दिन पर दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है, सीखता रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चा सीख जाता है किसके द्वारा, तो अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से। अधिगम को एक शब्द के रूप में सबसे अच्छा समझा जा सकता है। कैसे, एक शब्द में अगर बात की जाए, जो किसी व्यक्ति की सीमा में परिवर्तन और व्यवहार के प्रदर्शन का वर्णन करता है। अब हम लोग परिभाषाएं देख लेते हैं, यानी अधिगम संबंधित परिभाषाएं। अधिगम यानी लर्निंग, यानी सीखना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी अधिगम मतलब सीखना। तो स्किनर के अनुसार परिभाषा देखते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यानी नए नए चीज़ों को सीखना। क्योंकि जो चीज़ आप सीख चुके हैं वो तो सीख चुके हैं, लेकिन आप जो चीज़ सीख रहे हैं, एक दिन देखिए क्या होता है, पहले दिन जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपके लिए नई होती है। आप पहले दिन कहीं पर जाते हैं तो वो आपके लिए नया होता है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन आप कितने भी फ्रैंक मूड के हों, लेकिन जब आप नई जगह पे जाते हैं तो थोड़ी सी हिचकिचाहट वहाँ पे होती है। यानी आप वहाँ पे गए हैं, अपने आप को वहाँ पे यानी उस माहौल में ढालेंगे, लेकिन आपका पहला दिन है तो आप ढालने की कोशिश करेंगे। पहले जहाँ पे जाएंगे उन लोगों को समझेंगे, उनका नेचर समझेंगे कि किस तरीके से कौन किसका नेचर है, कैसे कौन बिहेव करता है, ये सब समझेंगे, और थोड़ी सी हिचकिचाहट भी रहती है। उसके बाद आप जैसे जैसे लगातार उन लोगों से मिलने लगते हैं, वहाँ पे रोज़ जाने लगते हैं, यानी आपने सीख लिया और उसके अनुकूल आपने अपने आप को ढाल लिया, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि वुडवर्थ के अनुसार क्या है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अब गेट्स के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब इन्होंने क्या बताया कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, क्योंकि जब आप सीखेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन भी होगा और अपने अनुभव से आप सीख भी रहे हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। उसके बाद थॉर्नडाइक के अनुसार आपका हो जाता है उपयुक्त अनुकृतियाँ, यानी अनुक्रिया के चयन तथा इसे उसे उत्तेजना से जोड़ने को अनुभव कहते हैं। अब देख लेते हैं वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। देखिए क्या है, तो सीखना विकास की प्रक्रिया है। जब बच्चा सीखता है तो क्या है, विकास की तरफ तो आगे बढ़ता है। दिन प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ सीखेगा, लोगों से मिलेगा, बात करेगा, उसको वो चीज़ें सीख लेगा वो, कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या करना है, क्या बनना है, कैसे क्या करना है। तो क्या है, तो जब विकास उसका होता है तो सीखना विकास की प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए अधिगम की विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं, सीरियल वाइज इनको देखिए देखते हैं अधिगम की प्रक्रिया। तो अधिगम सबसे पहले देखिए क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। अधिगम मतलब सीखना यानी लर्निंग। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ छप जाए। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाता है कि व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। व्यवहार में परिवर्तन सीखना यानी कि आप जब सीखना स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, अब जब नई नई चीज़ों को सीखेंगे, रोज़ आप में परिवर्तन होगा तो आपके व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। आप पहले देखिए किस तरीके के होते हैं, पहले कोई चीज़ इंसान नहीं समझता, जैसे जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, बड़ा भी थोड़ा हो जाता है और रोज़मर्रा में वो सीखता रहता है, तो पहले उसका व्यवहार किसी और तरीके का होता है। पहले वो ज़िद्दी होता है, बहुत ज़्यादा नखरे भी कर लेता है, जैसे बच्चे होते नहीं इस तरीके के। फिर उसके बाद जैसे वो माहौल में होता है, फिर उस तरीके से वो ढल जाता है, फिर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है कि जब सबको देखता है नहीं इस तरीके से नहीं ज़िंदगी जी जाती है, इस तरीके से जी जाती है, इतनी ज़िद्द नहीं की जाती है, या हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी होती है, इस तरीके से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद देखिए अधिगम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए समान हो जाता है। उसके बाद अधिगम विकास की प्रक्रिया है, यानी अधिगम विकास की प्रक्रिया है।
जैसे जब आप सीखेंगे तो आप विकास भी करेंगे। तो इस तरह से अधिगम विकास की प्रक्रिया है। और आप ये जो हेडिंग्स हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी देखिए सीखना क्या है, सीखना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अपने अनुभव के, देखिए अनुभव के इस प्रकार लाभ उठाने की प्रक्रिया अधिगम या सीखना कहलाती है। और जो प्रत्येक, मतलब प्रत्येक प्राणी जो होता है, यानी प्रत्येक मनुष्य होता है, वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और क्या होता है, जिसने जितना अधिक सीखा उतना उसने उतना अधिक विकास किया। यानी क्या होता है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत कम स्टडी करते हैं, बहुत कम पढ़ाई करते हैं, बहुत कम जैसे स्कूल गए, स्कूल कंप्लीट हुआ उसके बाद नहीं गए। कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने अर्थ करके छोड़ दिया, कुछ लोगों ने हाई स्कूल किया और उसके बाद बोल दिया अब पढ़ाई नहीं करूँगी या करूँगा। कुछ लड़कियां होती हैं उनकी शादी कर दी जाती है, कुछ लड़के होते हैं तो वो लोग अपने काम करने लगते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें ये चीज़ होती है कि जैसे हर इंसान का एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए तत्पर होते हैं और कुछ लोगों को तो पढ़ाई वेस्ट ही लगती है। कुछ लोगों के विचार तो ऐसे होते हैं, कहते हैं पढ़ने से फ़ायदा क्या है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हम नौकरी ही करें इसलिए हम पढ़ाई करते हैं, या वैसे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भाई क्यों किस लिए DL.ED कर रहे हैं, इसलिए कि भाई आप टीचर बने। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों की ये ख्वाहिश होती है, क्योंकि सभी को चाहिए भाई नौकरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा तो जीविका चलेगी, है ना। लेकिन कुछ लोग यही सोचते हैं, अगर जैसे कि मान लीजिए कि भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाए या कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अरे पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा और इसमें रखा क्या है। तो इस तरीके से कुछ लोग नहीं सीखना चाहते, कुछ लोग नहीं कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बात ही अलग हो गई। लेकिन तब भी जो नहीं भी पढ़ते हैं तो क्या वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते नहीं है? वो लोग सीखते हैं, जिनकी ये भाषा होती है कि पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब एक ऐसी एज आती है जब उनमें समझ आ जाती है, तब वो कहते हैं कि हमें पढ़ लेना चाहिए था। तब उन्होंने सीख लिया, जो उनका पर्यावरण था, जो उनका माहौल था, उसमें उन्होंने सीख लिया, उनके वातावरण में उन्होंने सीख लिया कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, हमने जो किया वो गलत किया, है ना, ऐसे होता है। खैर चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, देखिए इसमें उद्देश्य होता है, तो आपका जो हो जाता है तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। उसके बाद नवीन ज्ञान की खोज सीखना है, यानी क्या होता है, नई नई चीज़ों को सीखा जाता है ना। तो यही तो होता है कि पहले दिन, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पहले दिन क्या होता है, जब आप कोई चीज़ सीखेंगे तो वो आपके लिए नई होगी, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो वो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आपकी आदत हो जाएगी और वो चीज़ें आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो यही होता है कि नवीन ज्ञान की खोज सीखना है। आप लोग पहले तो उसको खोज करेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे, और जब सीख जाएंगे तो आप उसको बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। फिर अधिगम वातावरण की उपज है, यानी देखिए अधिगम क्या है, तो वातावरण की उपज है। और उसके बाद आपका हो जाता है अधिगम अनुकूलन है। अब जब आपने सीखा यानी लर्निंग की, तो अनुकूलन का मतलब क्या होता है, जैसे अपने आप को उसी वातावरण में ढाल लेना। जैसे कि क्या होता है, कहीं पर जैसे पानी कम होता है तो लोग वहाँ पे उस अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, कहीं पर बारिश नहीं होती है धूप ही धूप होती है तो लोग वहाँ पे अपने आप को ढाल लेते हैं, कहीं पे बर्फ है, बर्फ भाई पूरे साल होती है लेकिन वहाँ पे भी लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो देखिए पानी नहीं पाते हैं तो वो अपने आप को वहाँ पे ढाल लेते हैं, जैसे रेगिस्तान में केक्टस वगैरह जो ये पौधा होता है तो क्या करता है, पानी को संचित कर लेता है। उसके बाद उसने, मतलब ये है कि उसको जो वातावरण मिला है उसमें उसको उसने ढाल लिया। इसी प्रकार से मनुष्य जो होते हैं वो भी, उनको जैसा भी माहौल मिलता है उसमें वो अपने आप को ढाल लेता है। तो यही अनुकूलन हो जाता है, यानी कि उसी स्थिति में अपने आप को ढाल लेना। उसके बाद अधिगम एक नया कार्य है। जब भी आप सीखेंगे, जो चीज़ आप सीखेंगे, पहले दिन आपका कार्य वो नया ही होगा।
इसलिए कहते नहीं कि एक बार कोई चीज़ हमें पता चल जाए, जब एक ही बार तो किसी को पता होती है ना चीज़, ऐसा तो नहीं है कि आपको 10 बार कोई चीज़ बतानी पड़ेगी, 10 बार तो उन लोगों को बतानी पड़ती है, क्योंकि देखिए बुद्धि लब्धि सबकी तो बराबर होती नहीं है, किसी किसी की ऐसी होती है जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होती है, तो उन लोगों को 2 से 3 बार वो चीज़ बतानी पड़ जाती है। और ज़्यादातर सामान्य बुद्धि वाले हो गए, और जो प्रतिभाशाली बच्चे हो गए उनकी तो बात ही अलग हो गई, और सामान्य बुद्धि वो भी, उनको भी एक बार में कोई चीज़ समझ में आ जाती, तो जब वो पहले दिन सीखेंगे, पहले दिन पढ़ेंगे, तो उनको क्या होगा कि उनके लिए वो नया कार्य होगा। उसके बाद दूसरे दिन वो चीज़ सीखेंगे तो उनके लिए वो चीज़ हैबिट में आ जाती है। तो ये चीज़ होता है कि अधिगम एक नया कार्य है, जब भी आप कोई कार्य शुरू करेंगे तो पहला, उस पहले दिन वो आपके लिए नया ही होगा। उसके बाद अधिगम अनुभवों का संगठन है, यानी क्या है कि इसमें अनुभव, जितना आप अनुभव के द्वारा आप सीखेंगे, जैसे कि हमने भी आपको बताया कि बच्चा था वो धूप में गया, कोई बच्चा है मतलब वो धूप में गया और वो उसके पैर जल गए, और वो जो है उसने सोच लिया, उसने अपने अनुभव के द्वारा जान लिया कि अब धूप में अगर हम इस कड़कड़ाती धूप में निकलेंगे तो हमारी पैर भी जल जाएंगे, अगर धूप में कोई बर्तन रखा है और हम उसको टच करेंगे तब भी जल जाएंगे, या हम आग को पकड़ लेंगे, और एक बच्चे ने आग को पकड़ लिया और उसको, उससे वो जल गया, तो उसने सोच लिया अब हम आग को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आग को पकड़ेंगे तो हम जल जाएंगे, यानी उसने अनुभव द्वारा ये चीज़ें सीख ली। तो यहाँ पे आपका हो गया अधिगम की विशेषताएं। अब देख लेते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। और देखिए इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कौन से कारक हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आपका हो जाता है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, यानी देखिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में क्या है। देखिए शारीरिक स्वास्थ्य सीखने का जो सामान्य रूप से क्या है, सीधा और बहुत जैसे घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना उनके लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बालक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक और मानसिक विकास की भांति ही शारीरिक विकास का भी बहुत ही बड़ा स्थान है। शारीरिक विकास के आधार पर जो बच्चा होता है उसके अन्य विकासों की स्थिति का अनुमान किया जा सकता है, और इसलिए एक शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास के संदर्भ में पूरा ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो क्या करे, जिससे वो जो बच्चा है, बालक है, उसको उचित मार्गदर्शन दे सके। यानी कि जब शिक्षक को उसके पूरा ज्ञान होगा यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का, तभी तो वो बच्चों को समझा पाएगा। तो इस तरह से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हो जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपका हो जाता है परिपक्वता। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, यहाँ पे आप समझ लें, यानी कि मैच्योरिटी। तो इसमें क्या होता है, अधिगम यानी कि लर्निंग, यानी कि लर्निंग यानी कि सीखना, यानी कि सीखना। अधिगम की प्रक्रिया को जो बालक की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता बहुत अधिक प्रभावी बनाती है। अब देखो छोटी कक्षाओं में बालक की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चे क्या करें, ताकि बच्चे कलम, किताब और भी चीज़ों को पकड़ना सीख जाएं, यानी कि जैसे कलम पकड़ना सीख जाएं, किताब पकड़ना सीख जाएं, नोटबुक पकड़ना सीख जाएं, इरेजर पकड़ना सीख जाएं, इस तरीके से उनकी जो मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान दिया जाता है। देखिए और उन्हें व्याकरण जैसे हो गया यानी ग्रामर हो गया, पहाड़े, ये सब चीज़ों का ज्ञान इनके कराया जाता है। और शारीरिक और मानसिक परिपक्वता ना हो तो सीखने में समय और शक्ति का नाश होता है। यानी कि देखिए क्या होता है कि जब शारीरिक और मानसिक, आप देखिए शरीर से हष्टपुष्ट नहीं है तो क्या, मैं अभी क्लास ले रही हूँ और मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आप क्या क्लास ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, या आपका शरीर दुर्बल है, कमज़ोर है, तो क्या आप क्लास अटेंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके शरीर ने आपका साथ छोड़ रखा है। मानसिक परिपक्वता, अगर आप में मानसिक परिपक्वता नहीं है तो क्या आप स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने जो आप लोगों को सिखाया यानी मैं आपको सिखा रही हूँ तो क्या आप इस पर ध्यान दे पाएंगे, यानी मेरा पढ़ाना बेकार हो गया।
मैं तो इसीलिए तो पढ़ा रही हूँ कि भाई आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो और आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो मेरा पढ़ाना क्या हो गया, बेकार हो गया। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि परिपक्वता में ये चीज़ आ जाती है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं सीखने की इच्छा। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो सीखने के लिए तैयार है तभी आप उसको सिखा पाएंगे। अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है तो क्या आप उसे सिखा पाएंगे? जैसे मान लीजिए आप घोड़े को या मान लीजिए किसी भी जानवर को आप तालाब तक ले गए और अब वो तालाब में पानी नहीं पी रहा है तो क्या, देखिए तालाब तक तो आप ले जा सकते हैं किसी भी तरीके से, प्यार से, गुस्से से, मार के, पीट के, लेकिन पानी आप उसको नहीं पिला सकते। भले आप उसका मुंह तालाब में कर दें, ज़बरदस्ती कर दें, लेकिन अगर उसकी इच्छा पानी पीने की नहीं है तो वो अपना मुंह ही नहीं खोलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे में सीखने की इच्छा नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितना भी देखो चिल्ला लें, मान लीजिए कि टीचर कितना भी चिल्ला ले, कितने भी नोट्स बनवा ले, कितना भी अच्छे से पढ़ा दे, लेकिन अगर बच्चे में सीखने की इच्छा नहीं है तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बच्चे को सिखा पाए। तो यहाँ पे यही चीज़ हो जाती है। तो बच्चे में सीखने की इच्छा बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए प्रेरणा, तो प्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। जैसे आप क्यों पढ़ रहे हैं भाई? आप इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि आपका जो DLED है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग CTET क्लियर करो, SuperTET क्लियर करो और उसके बाद आप टीचर बन जाओ, है ना? तो यही तो आपकी आपको प्रेरणा दी जा रही है, आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, उसके बाद आप सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और आप टीचर बन जाएंगे। तो ये आपकी प्रेरणा हो जाती है और प्रेरणा से ही बच्चे, अब आप लोग तो खैर बच्चे नहीं रहे, लेकिन बच्चे हों या बड़े हों, जब उनको प्रेरणा मिलती है, कहते नहीं पॉजिटिव में प्रेरणा मिलती है, यानी बहुत लोग देखिए नेगेटिव में भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं अरे पढ़ लिख के क्या करोगी, बहुत पढ़ लिया, बहुत लिख लिया, अब बस बहुत हो गया। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको और आपके चारों तरफ भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन जब आपको कोई ऐसा बताता है कि पढ़ लो, बहुत अच्छा है, आप ये कोर्स कर रहे हो, इसमें देखिए फ्यूचर है आपका, तो आप लोगों को क्या हुआ, आप लोगों को प्रेरणा मिल गई। और जब प्रेरणा मिल गई तो आपने बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई की और एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया और आप लोग टीचर बन गए। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद विशेष सामग्री का स्वरूप हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए विशेष सामग्री के स्वरूप में देखिए जैसे खेल विधि हो गई, क्रिया विधि हो गई, सामूहिक विधि हो गई, सहयोगी विधि हो गई, इन सब का पालन करना हो जाता है। क्योंकि जब आप बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे, विषय सामग्री का प्रयोग करके सिखाएंगे, जैसे कि देखिए आप मान लीजिए श्रव्य दृश्य सामग्री है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री है, अब आप क्लास में इनका यूज कर रहे हैं। अब जब आप क्लास में इनका यूज कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, मान लीजिए क्लास में 30 से 35 बच्चे हैं और आप श्रव्य दृश्य सामग्री यानी जिसको हम देख भी सकें, सुन भी सकें, जैसे TV हो गया, मोबाइल हो गया, अब आप लोग जो क्लास ले रहे हैं तो उसको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो आपका क्या है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आप लोग इससे जब सीखेंगे चीज़ों को, और जो छोटे, जब आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो जो छोटे बच्चे हैं उनको कहानी, कार्टून, जैसे मान लीजिए कि आपने TV चला दी क्लास में या अपने मोबाइल से बच्चों को देखिए कार्टून के माध्यम से शिक्षाप्रद कहानियां आपने बच्चों को बताई, क्योंकि भाई स्कूल में शिक्षाप्रद कहानियां और मनोरंजन से पूर्ण कहानियां आप बताएंगे, तो आप बच्चों को वो चीज़ें बता रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, मान लीजिए 300-350 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो सबका ध्यान आप ही की तरफ होगा, क्योंकि आपकी तरफ, मतलब आपने मोबाइल पकड़ रखा है उससे आप पढ़ा रहे हो, आपने TV लगा रखी है उससे आप पढ़ा रहे हो, मतलब बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। या पर्दे पे होता नहीं प्रोजेक्टर के माध्यम से उस पर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो आप उसके माध्यम से आप सिखा रहे हो तो बच्चे बहुत ही यानी बहुत ही अच्छे से सीख पाते हैं। और जैसे श्रव्य सामग्री क्या हो जाती है, श्रव्य रेडियो से आप बच्चों को सिखाया जाता है, दृश्य दिखाकर, जैसे कि चित्र को बच्चे अच्छे से बना दिए और उसका कहानी का एक मतलब एक विधि दे दी कहानी की, जैसे मान लीजिए प्यासा कौवा है
तो उसमें क्या किया कि प्यासा कौवा बना दिया, फिर उसके बाद एक घड़ा बना दिया। अब वो आया वहाँ पे और उसने घड़े में देखा पानी नहीं है, अब वो सोचने लगा। अब दूसरा वहाँ पे अब बना दे कि कौवा सोच रहा है कि अब कैसे पानी पिया जाए। फिर तीसरा चित्र बना दे कि हाँ उसके माइंड में एक चीज़ आई कि जा रहा है वो कंकड़ों पत्थर लाएगा, घड़े में डाल देगा, पानी ऊपर बढ़ जाएगा। इस तरीके से मतलब क्या होता है, बच्चों को जब सिखाया जाता है मतलब विशेष सामग्री का स्वरूप, यानी जब इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब देखिए वातावरण, वातावरण का बहुत बड़ा महत्व होता है सीखने में। अब जब अच्छा वातावरण होगा तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। अगर देखिए उनका घर का माहौल अच्छा है, मान लीजिए माहौल तो खैर ऐसा नहीं है कि किसी के घर का ख़राब भी होता है, लेकिन एक चीज़ बताने जैसे किसी के यहाँ का पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है तो बच्चे क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही पढ़ने लगते हैं। देखते हैं हमारे यहाँ सब लोग पढ़ रहे हैं, किताबें पकड़े हुए हैं, किसी यहाँ बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाए जा रहे हैं तो बच्चे वही चीज़ देखेंगे, उनको भी मोबाइल चाहिए। किसी के यहाँ पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता है, सब ऐसे ही अपने में सब रहते हैं तो बच्चा भी वैसे ही रहने लगता है। तो वातावरण का महत्व बहुत बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद शारीरिक और मानसिक थकान। अब देखिए इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक थकान में इसमें जब बच्चा जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो जब आपका शरीर थक जाएगा या मन थक जाएगा तो क्या आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या होता है, बच्चों को रेस्ट भी देना ज़रूरी होता है। अभी आप लोग बड़े हो और मैं आप लोगों का बहुत लेंथी क्लास ले लूँ तो क्या होगा, आपका शरीर भी थक जाएगा, बैठे बैठे नोट्स बना रहे हैं तो आपके हाथ भी थक जाएंगे और फिर आप में क्या होंगी, गलतियां होने लगेंगी। और जब गलतियां होती ऐसा नहीं कि आपको कुछ आ नहीं रहा है, आपको बहुत कुछ आ रहा है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन आप थक गए हैं क्योंकि टाइम से ज़्यादा आपने क्लास अटेंड कर लिया, टाइम से ज़्यादा आपने पढ़ लिया। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और आप लोग जब बड़े हो, जब थक सकते हो तो बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी थक जाते हैं। तो क्या होता है, बच्चों को उतना पढ़ाया जाए जिसमें ये देखा जाए कि हाँ कितना बच्चे सीख सकते हैं, कितने मिनट में बच्चों को अगर सिखाया जाए तो उनको थकान नहीं होगी। जैसे मान लीजिए जैसे बड़े बालकों की अपेक्षा क्या होता है, छोटे बालक बहुत जल्दी थक जाते हैं, है ना। तो जो छोटे बालक है यानी छोटे बच्चे हैं तो 25 से 30 मिनट तक का जो उनका क्लास हो उनका होना चाहिए। और बालकों के जैसे जो 35 से 40 मिनट तक के रखे जा सकते हैं, है ना। देखिए तो इसमें क्या होता है, थकान नहीं आती है, अच्छे से सीख भी लेते हैं। और क्या होता है, जब छोटी क्लास होगी तो जब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, कहते नहीं कम सीख कम पढ़ो कम देखो लेकिन ज़्यादा सीखो, है ना। और ये नहीं है कि मैं ज़्यादा आप लोगों को पढ़ा दूँ या आप बच्चों को ज़्यादा पढ़ा दें और उनको आया कुछ नहीं, मतलब आपका पढ़ाया हुआ वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई। और आप ये भी देख लेंगे जब थकान आती है तो अपने में ही गलतियाँ होने लगती हैं, है ना। जैसे कोई चीज़ आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे लिखना कुछ और है, लिखा आपने कुछ और दिया, ऐसा तो नहीं कि आपको आ नहीं रहा है, आ रहा है मगर थक गए हैं, आप में थकान आ गई है। उसके बाद बुद्धि, देखिए बुद्धि क्या है, बुद्धि देखिए हर बच्चों में अलग अलग होती है। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, कुछ बच्चे सामान्य होते हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं तो उनको आप 2 से 3 बार चीज़ों को बताएंगे, बार बार बताएंगे लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं जल्दी, उनको बार बार बताना पड़ता है एक चीज़ को। जो सामान्य बच्चे होते हैं तो उनको अगर आपने एक बार बता दिया तो उनकी समझ में आ गया। और प्रतिभाशाली बच्चों को भी तो वो तो अगर कभी कभी तो ऐसा होता है उन्होंने देख के ही सीख लिया, क्योंकि उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है तो वो 140 से 180 तक ही होती है। और जो सामान्य होते हैं उनकी 90 से 110 होती है। इस देखिए जो ये क्लास है बुद्धि से रिलेटेड, इसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे आपकी की सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है और प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कैसी होती है, ये बच्चे कैसे होते हैं, इनकी विशेषताएं लिखें, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन आज खैर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य और उम्र। तो स्वास्थ्य और उम्र में देखिए क्या होता है, जैसे बच्चा जिस उम्र का है उस हिसाब से बच्चों को चीज़ों को सिखाना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों की उम्र कुछ और है और आप सिखा कुछ और रहे हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद है
अभी क्षमता वही चीज की अगर बच्चे में ये देख ले कितनी क्षमता है, क्षमता के अकॉर्डिंग अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तभी बच्चे सीख पाएंगे। पता चला बच्चे पहले जो चीज नहीं सीख पा रहे और आपने उससे हाई लेवल बता दिया तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। पहले उन्हें जो चीज ज्ञात है उससे आप स्टार्ट करें। मान लीजिए आप क्लास में गए तो बच्चों से सबसे पहले ये तो आपको पता ही होगा कि बच्चों को कौन सी चीज़ आती है। आप वो मान लीजिए आप बच्चा कक्षा 4 का है और वो कक्षा 3 से आया है तो आपको ये पता है कक्षा 3 में ये चीज़ थी तो आपने उसी से रिलेटेड पूछ लिया। या मान लीजिए आपने उससे पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ कि जो अगर आप पेड़ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, अच्छा ये बताओ आपके आसपास या आपके घर के पास में कोई पेड़ लगे हैं? बोलेगा हाँ मैडम लगे हैं पेड़। फिर आप बोलोगे अच्छा ये बताओ जो पेड़ होती है उसकी पत्तियां जो होती हैं उसका कलर कैसा होता है? फिर बच्चा बताएगा कि मैम हरा होता है या सर हरा होता है कलर। फिर आप उसके बाद बताएंगे अच्छा ये बताओ जो आपके यहाँ पेड़ लगा है या जो आपके आसपास में पेड़ लगा है उसमें फल आते हैं तो वो किस जैसे किस फल का वो पेड़ है, तो वो उस तरीके से जवाब देगा। फिर आप इससे रिलेटेड चीज़ों को बताने लगे। फिर आपको जो भी पढ़ाना है जो भी आपके लेसन में है कि मतलब उसकी विशेषताएं बतानी है या ये बताना है कि उसके जड़ों के कार्य बताने हैं तने के कार्य बताने हैं तो आप बच्चा क्या है जो चीज़ें जानता है उससे आप जो नहीं जानता है उसके बारे में आप बच्चों को बताएं तो अच्छे से समझ में चीज़ें आती हैं और बच्चा इंटरेस्ट लेके सीखता भी है। ये नहीं है कि उसको ये चीज़ें पता है और अभी उसको ये नहीं पता जड़ों के कार्य क्या होते हैं और आपने बस आप क्लास में गए और बच्चों बताओ जड़ों के कार्य क्या है। अब बच्चे पहली बात तो बोर हो रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अब ये भी सोच रहे हैं कि सर है मैडम है तो हम बताओ बता नहीं पाए तो हमको शायद डांट दें। हालांकि अब तो NEP 2020 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बच्चों को डांटना मारना इस तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप बच्चों को आँख तक नहीं दिखा सकते। बच्चा सर्वे सर्वा है, आप बच्चे के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन बच्चे में तो ये फीलिंग होती है कि हो सकता है मैं ना बताऊँ तो टीचर मुझे डांट दे, है ना, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अधिगम के सिद्धांत। तो सीखना एक प्रक्रिया है, जब हम किसी कार्य को करना सीखते हैं तो एक निश्चित क्रम से गुजरना होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सीखना कैसे होता है इस पर कुछ सिद्धांतों को निर्धारित किया है। अब क्या होता है, देखिए जो सीखने की प्रक्रिया है वो कैसी है, तो निरंतर चलने वाली है। और जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो क्या होता है, तो हमें एक निश्चित क्रम से गुजरना पड़ता है। अब देखिए जैसे आप लोग DLED कर रहे हो क्योंकि आप ही पे एग्जाम्पल दें तो अच्छे से आप लोग सीख पाओगे चीज़ों को, और अगर दूसरों के एग्जाम्पल देंगे तो चीज़ें इतनी आसानी में नहीं समझ में आती हैं। जैसे आप लोग DLED कर रहे हो तो क्या है, एक क्रम में पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर क्लियर किया, उसके बाद ऐसे करके नहीं आप करोगे ना, तो अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करोगे, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर आप लोगों का आएगा, और उससे पहले आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो क्या होता है, जो हम सीख रहे हैं वो क्रम से हमें गुजरना पड़ता है। और देखिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सीखना हमें कैसे, यानी हमें कैसे सीखना है इस पर कुछ सिद्धांतों को निर्धारित किया है। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये बहुत ही फेमस सिद्धांत है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बट इसमें बड़ा इंटरेस्ट भी आता है, ऐसा नहीं है बोरिंग है, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब कुछ जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो भाई बच्चे ने जन्म लिया सभी के साथ वही चीज़ होती है, फिर उसमें जो जो अवस्थाएं आती है वो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, देखो सब कुछ अपने ही ऊपर है। उसके बाद जब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, भाई जब थोड़े बड़े हुए 6 ईयर के हुए, स्कूल में नाम लिख गया, जैसे यही भाई एज तो यही होती है, बाकी तो 2.5 साल में 3 साल में प्ले ग्रुप में डाल दिया जाता है, इसकी एज खैर नहीं होती, लेकिन जो एक्चुअल रेड यानी क्या होता है एज है तो वो तो 6 ईयर होती है। तो हम लोग जब पढ़ाई के टॉपिक पे बात करेंगे तो 6 ईयर ही कहेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आता है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझिएगा। और जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो वही चीज़ कि आप लोग बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाता है अधिगम के सिद्धांत, इसमें थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के कुल 3 नियम कौन कौन से, जो कुल 3 मुख्य नियम है और 5 गौड़ या सहायक नियम है। अब थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, तत्परता का नियम, यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं तो काम तत्काल तथा आसानी से होता है, यानी कि हम किसी कार्य को अगर करने के लिए तैयार हैं
तो क्या होगा, हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। वही चीज कि अगर घोड़े को पानी पिलाने आप तालाब में ले जाएं तो जरूरी नहीं कि वो पानी पिएगा, क्योंकि वो तैयार नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे तत्परता का नियम हो जाता है। उसके बाद अभ्यास का नियम हो जाता है, इसे उपयोग अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। ज्ञान को स्थायी करने के लिए अभ्यास करना अति आवश्यक है। यानी देखिए, आप कोई भी काम करें तो क्या आप एक ही दिन में वो चीज़ सीख जाते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए आप मैथ पढ़ रहे हैं, पहले दिन आप पढ़ोगे तो आपके माइंड से गुजर जाएगा, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, आप अभ्यास करना स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे क्या होगा उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर आपने जैसे एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, एक दिन कंप्लीट किया नहीं समझ में आया, दूसरे दिन उसका रिवीजन किया इतना नहीं समझ में आया, जब तीसरे दिन आपने उसका अभ्यास किया चीज़ें समझ में आ गई, फिर आपको इतनी आने लगे कि आप दूसरों को बताने लगे। तो किसके द्वारा? तो अभ्यास के द्वारा। कहते नहीं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होई सुजान। यानी अभ्यास करने से क्या होता है, अभ्यास करने से हमारे हमको जो चीज़ें हैं वो हमारी स्थायी हो जाती हैं। फिर है उपयोग का नियम। अब देखिए, जो ये अभ्यास का नियम है, इसमें दो नियम है, एक हो जाता है उपयोग का नियम, दूसरा हो जाता है अनुपयोग का नियम। इसको समझ लेते हैं। यदि कोई कार्य पहले किया गया है और अब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है और ज्ञान स्थायी हो जाता है। यानी वही चीज़ कि हमने अभी एक हमने मैथ सीखा तो पहले हमको वो चीज़ नहीं आ रही थी, उसके बाद हमने रिवीजन किया, हमने अभ्यास किया, बराबर करते रहे तो वो चीज़ें आ गई और हमारे माइंड में वो छप गई, यानी स्थायी हो गई। उसके बाद अनुपयोग का नियम है, किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो हमारे मस्तिष्क, हमारा जो मस्तिष्क है उसे भुला देता है। यानी कि अनुपयोग के नियम में क्या है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अनुपयोग के नियम में अगर आपने एक बार वो कार्य किया है और दोबारा नहीं वो काम किया है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आप उसे भुला दोगे, यानी आपका जो मस्तिष्क है उसे भुला देगा। अब देखिए, जो थर्ड हो जाता है नियम, वो आपका हो जाता है प्रभाव का नियम। तो इसमें आपका हो जाता है, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, यदि कार्य को करने पर हमें असंतोष होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। इसे दंड या पुरस्कार या सुख या दुख का नियम भी कहते हैं। अब देखिए, दंड और पुरस्कार यहाँ पे समझ लेते हैं, सुख और दुख यहाँ पे समझ लेते हैं। यानी प्रभाव का नियम, जब जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको टीचर बनना है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं, ना कि इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप डीएलएड कर लो, सीटेट कर लो और उसके बाद आप टीचर ना बनो, ऐसा तो नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रभाव का नियम। मान लीजिए किसी ने शॉप खोली और उसमें बहुत सारा पैसा वेस्ट किया, क्यों किया वेस्ट, क्योंकि वो जान रहा है कि ये हमारा भविष्य है और इसमें हमको बेनिफिट मिलेगा, रोज के हमारे इतने हमको पैसे मिलेंगे, यानी हमारा इतना बेनिफिट होगा कि हमारे खर्चे चलेंगे और हम भविष्य के लिए इससे और भी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं और अपना हम फ्यूचर भी ब्राइट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसको उसमें सफलता नहीं मिली, तो क्या हुआ, क्या प्रभाव का नियम यहाँ पे हो जाता है? यहाँ पे देखिए, प्रभाव का नियम यही है कि जब उसे संतोष प्राप्त होगा तभी वो काम करेगा, वरना वो छोड़ देगा। मान लीजिए ग्रोसरी की शॉप उसने खोली वही चीज और उसमें उसको लॉस हो गया तो क्या हुआ, तो क्या वो करेगा, वो काम नहीं करेगा। या कोई जैसे कोई भी वर्क कर रहा हो, कोई भी वर्क कर रहा हो, अगर उसमें उसको फायदा है, फायदा मिल रहा है तभी वो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। मान लीजिए अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और मैं आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस डाल दूं, आप उसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसको फोर्थ सेमेस्टर वाले पढ़ेंगे। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जब आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर की नोटिफिकेशन जाएगी तभी आप उसको पढ़ोगे, क्योंकि उसमें आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर निकालना है, उसके बाद हमें सेकंड में आना है, सेकंड के बाद थर्ड में आना, उसके बाद हमें फोर्थ में आना है। तो आप अपने बेनिफिट के लिए ही तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो नोटिफिकेशन है उसे आप क्लिक करेंगे, अन्यथा आप अगर नहीं, अगर आप डीएलएड कर रहे होते तो आप हमारी वीडियोज नहीं देख रहे होते। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि जब हमें उसमें कोई बेनिफिट होता है, हमें पुरस्कार मिलता है, और जहाँ पे दंड मिलता है, जहाँ पे सजा मिलती है, जहाँ पे सुख नहीं मिलता है, जहाँ पे दुख मिलता है, वहाँ पे वो कार्य नहीं किए जाते। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थॉर्नडाइक का नियम पढ़ेंगे, इनके जो पांच गौण नियम है उनको पढ़ेंगे, और जो ये मुख्य नियम है इन पे भी हम थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।